हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स इन अर्लियर क्लास। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न। हमने पहले से ही बहुत से प्लांट के पार्ट के बारे में जान रखा है, तो चलो रिकॉल करते हैं क्या हम जाने हैं। ये क्वेश्चन गिवन है कि आप इन ये जो इंडिकेशन दिया प्लांट का कौन सा पार्ट है, इनका नाम लिखना है इस हेल्पर की मदद से। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे इसमें आंसर लिखा हुआ है, इसको आप उतार लेना। वी नाउ टॉक मोर अबाउट दियर डिफरेंट टाइप। चलो अब उसके डिफरेंट टाइप के बारे में जानते हैं और प्लांट के बारे में भी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि पत्ता हो गया, तो पत्ता का कुछ और काम है। स्टेम हो गया, स्टेम का कुछ और काम है। रूट का कुछ और काम है। तो चलो वो सब अब देखते हैं। फर्स्ट है रूट। रूट फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल। रूट जो ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट है, ये प्लांट को ज़मीन में फिक्स करता है, मिट्टी में फिक्स करता है। ये प्लांट को गिरने नहीं देता है, रूट जो है गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है। सेकेंड पार्ट है स्टेम। स्टेम इट कैरी ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सूट। सूट यानी जो रूट के, जैसे ही फिगर में दिख रहा है, रूट के ऊपर का सभी भाग इन्हें सूट कहते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पर बीच में ये पार्ट है आपको स्टेम। सूट के सभी पार्ट को अपने आप में कैप्चर किया रहता है, मतलब यही थाम रहता है। जैसे ब्रांच हो गए, फ्लावर हो गए, बर्ड हो गए एंड एक्सेट्रा, ये स्टेम कैरी किया रहता है। थर्ड पार्ट है लीफ। लीफ जैसे कि सब ये ग्रीन लीफ है, ये इन सब का काम यह है कि ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। इट मेक्स फूड फॉर प्लांट। ये पौधों के लिए खाना बनाते हैं। फ्लावर, यह आप देखो, जैसे फिगर में दिख रहा है, ये फ्लावर है। ये इसका फंक्शन यह है कि यह फ्लावर झड़ने के बाद एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सारे फ्लावर कन्वर्ट नहीं होते, जैसे मैरीगोल्ड कन्वर्ट नहीं होता है, रोज़ का फूल कन्वर्ट नहीं होता है, ये सब फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फ्रूट अब लास्ट गिवन है फ्रूट। फ्रूट का काम है सीड को स्टोर करना। जैसे आपने पपीता खाया होगा तो उसमें देखा होगा, पपीते के अंदर ही काले काले बीज होते हैं। ग्वाभा का दिखाए होगे तो उसमें देखे होंगे छोटे छोटे बीज होते हैं ग्वाभा के फल के अंदर। तो अब आगे देखते हैं, इधर डू यू नो गिवन है द ग्रीन सबस्टांस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प द प्लांट इन प्रिपेयर इट्स फूड। जैसा कि ये सब पौधे में जो पत्ता इन इसमें जो ग्रीन मौजूद है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये पत्ते को खाना बनाने में इनेबल करता है। अगर ये ग्रीन क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्ता खाना बनाने में सक्षम नहीं रहेगा, खाना नहीं बना पाएगा प्लांट के लिए, तो ये बेकार हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स को किन आधार पर हम बांटते हैं, अब चलो ये देखते हैं। प्लांट हैव बीन क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरी। प्लांट जो है अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाइड हैं। टॉक अबाउट दिस कैटेगरी इन सम डिटेल्स। अब ये सब कैटेगरी जो हमने पहले से भी पढ़ रखा है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी है ट्री। ट्री यानी पेड़, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केला का जो पेड़ था वो पेड़ नहीं होता है, और नारियल का पेड़ हो गया और इत्यादि का पेड़, जामुन का पेड़ भी होता है। तो चलो देखते हैं ये ट्री क्या होते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, मतलब जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट मोटे ताजे, ये सब प्लांट को हम ट्री कहते हैं। दियर स्टेम इज वुडी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रंक। इनके जो स्टेम होते हैं, जैसे ये स्टेम है नीचे वाला, ये वुडी होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं और एकदम ताकतवर होते हैं, एकदम बरियार होते हैं। इसको आप पुश करोगे तो ये पुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। इन्हें
ट्री के ट्रंक को, ट्री के स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं, ट्रंक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वी सी मैनी ब्रांचेज ऑफ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक। जैसा कि तुम इस आम के पेड़ में देख रहे होगे, ये ट्रंक ट्रंक केवल छोटा सा है, लेकिन ट्रंक के ऊपर ही बहुत सारे ब्रांचेज आए हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेज आए हुए हैं। दीज देयर आर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट ऑन दीज ब्रांच। इन सभी ब्रांचेज पर फ्रूट होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि आम का फल होता है, आम का पत्ता हो गया, आम के फूल भी होते हैं छोटे छोटे, इन सभी ब्रांचेज पर रहते हैं। ट्री गिफ्ट सेड टू ह्यूमन एंड एनिमल। ट्री जो होते हैं, जैसे ट्री यहाँ पर देख रहे हो परछाई पेड़ की आ रही होगी, यहाँ पर परछाई पेड़ की, तो ये जो पेड़ होते हैं इंसान को, मनुष्य को और जानवरों को छाया देते हैं, ये छाया देते हैं कड़कती धूप में। द रूट ऑफ ए ट्री इज़ वेरी डीप। जड़, इन पौधों के जो जड़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गहरे में होते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तक होते हैं। जितना ये पेड़ की लंबाई नहीं होती, उससे गहरे इसके जड़ होते हैं। दे कैन देयर फॉर ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ सॉयल। अगर इन्हें पानी नहीं मिल रही है तो ये ना, ये लंबे होने के कारण ज़मीन के एकदम भीतर तक जाकर पानी ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबमर्सिबल में पानी जैसे आता है, उतना डीप जाकर ये अपने लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं। बनियान पीपल नीम मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ ट्री वी सी अराउंड अस। बनियान, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम जो कड़वा नीम होता है वो उसका पेड़, मैंगो आम एंड कोकोनट और नारियल का पेड़ हमारे आसपास मौजूद आता है, ये हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। ट्री लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स समटाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ट्री जो होते हैं बहुत सालों तक जीते हैं, कभी कभी तो ये 100 साल से भी अधिक जी जाते हैं, 100 साल से भी अधिक जी जाते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे भी पौधे हैं जो लगभग 1000 साल से भी अधिक जी 1000 साल से अधिक के हो गए हैं। तो चलो अब हम सेकेंड कैटेगरी पर आते हैं, जो कि है श्रब। श्रब, वी ऑफन सी मैनी प्लांट अराउंड दैट हैव वुडी स्टेम। वी ऑफन सी मैनी प्लांट दैट हैव वुडी स्टेम बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज बिग ट्री। हम अपने चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे प्लांट देखते हैं जिसके स्टेम वुडी होते हैं, जो लकड़ी वाले स्टेम होते हैं, जैसे गुलाब का ही हो गया, वुडी स्टेम होते हैं एंड एक्सेट्रा के होते हैं, वैगन वैलिया का होता है वुडी स्टेम, बट ये जो होते हैं बड़े पेड़ की तरह स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होते हैं। दीज प्लांट लुक लाइक बुजेस विथ मैनी ब्रांचेज। ये झाड़ी की तरह दिखते हैं और बहुत सारे इनके ब्रांचेज होते हैं, इनका ट्रंक, इनका जो स्टेम होता है उन्हें ट्रंक नहीं कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री श्रब। ऐसे पौधे जिनके स्टेम मूडी होते हैं लेकिन कमजोर, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं पेड़ के जैसे, और वो बूजी होते हैं या झाड़ीदार होते हैं, झाड़ी जैसे होते हैं, उन्हें हम श्रब कहते हैं। श्रब हैव सिमिलर स्मॉलर स्टेम ब्रेकिंग ऑफ नियर ग्राउंड। श्रब के पास छोटे छोटे स्टेम होते हैं जो कि टूट कर इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। डू यू नो श्रब आर प्लांट विथ मल्टीपल स्टेम दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर। श्रब जो होते हैं वो अपने स्टेम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि स्टेम इनके छोटे से होता है लेकिन ब्रांचेज बहुत घने होते हैं। दीज कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर। ये जो ब्रांच जो श्रब होते हैं वो 6 मीटर से भी अधिक ग्रो कर सकते हैं, 6 मीटर से भी अधिक ग्रो कर सकते हैं। जैसे अपने चारों तरफ ही देख लो, एक कनेर का पेड़ हो गया, जिसे यूजुअली पेड़ की कैटेगरी में लिया जाता है, लेकिन ये श्रब ही होते हैं क्योंकि इनके स्टेम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। तो चलो अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। रोज़ वैगन वेलिया कॉटन चाइना रोज मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब वी सी अराउंड अस।
रोज़, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, वैगन वेलिया, वैगन वेलिया ये फूल का पौधा है, कॉटन, कॉटन यानी सूती, सूती हो गया, चाइना रोज़, चाइना रोज़ हिबिस्कस के जैसे ही एक फ्लावर होता है, मेहंदी, मेहंदी जो आप हाथों पर लगाते हैं वो मेहंदी, ये सभी जो होते हैं ये सभी श्रब के एग्जाम्पल हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। श्रब लिव फॉर मेनी फ्यू ईयर्स ओनली, श्रब जो होते हैं कुछ ही साल जीते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसा ही कुछ साल ही जीते हैं, ज़्यादा साल नहीं जीते हैं। तो चलो अब अगले कैटेगरी पर आते हैं जो कि है हर्ब। मैनी प्लांट हैव थीन स्टेम विथ ग्रीन कलर एंड आर नॉट वुडी, सच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। हम अपने चारों तरफ बहुत से पौधे देखते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं, स्टेम होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं, पतले पतले होते हैं, वो उड़ी नहीं होते हैं, वो स्टेम उड़ी नहीं होते हैं, वैसे पौधों को हम हर्ब कहते हैं, वैसे पौधों को हम हर्ब कहते हैं। हर्ब आर जनरली स्मॉलर इन साइज, स्मॉल इन साइज, हर्ब जो होते हैं यूजुअली छोटे होते हैं, जैसे ये हर्ब है मिंट, इसे गमले में लगाया गया है और इतना ही छोटा सा मिंट का पौधा जमा हुआ है। तो ये जो हर्ब होते हैं वो यूजुअली मतलब साधारण रूप में ये छोटे छोटे ही होते हैं। दे आर ग्रोन इन पार्टिकुलर सीजन, ये केवल एक ही मौसम में ग्रो किया जाता है, जैसे भिंडी हो गया, भिंडी को केवल एक ही मौसम में ग्रो कराया जाता है एक बार। दे लिव फॉर वन और टू सीजन एंड प्रोड्यूस दियर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स इन दिस टाइम ओनली। ये जो हर्ब होते हैं वो केवल 1 से 2 सीजन ही जीते हैं और अपना जो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड इसी समय वो प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर वन और टू सीजन दे डाई, 1 या 2 सीजन यानी 1 या 2 मौसम, मौसम के बाद ये मर जाते हैं, 1 या 2 मौसम के बाद ये मर जाते हैं। वीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट, लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब दैट वी से अराउंड अस। जैसे वीट तुम देख रहे होगे अपने चारों तरफ, ये रेनी सीजन में केवल उगाया जाता है, नहीं वीट, वीट रेनी सीजन नहीं, वीट विंटर सीजन में उगाया जाता है, राइस या पैडी इसे हम केवल रेनी सीजन में ही देखेंगे अपने चारों तरफ। सनफ्लावर, सनफ्लावर ये समर सीजन क्रॉप है, समर सीजन प्लांट है। ये जो टोमेटो हो गया, टोमेटो 2 सीजन तक लगभग चल जाता है, मिंट भी, मिंट मिंट एंड लेडी फिंगर भी सीजनल क्रॉप, सीजनल प्लांट है, सीजनल प्लांट यानी कि सीजन में, सीजन वाले पौधे हैं, केवल सीजन में ही पाए जाते हैं। ये सब कुछ हर्ब के एग्जांपल हैं। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम फोर्थ कैटेगरी पर आते हैं, प्लांट कैटेगरी पर आते हैं जो कि है क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम, कुछ पौधे जिनके बाद बहुत ही कमज़ोर और पतले स्टेम होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन योर ओन, ये खुद से खड़े नहीं हो सकते और ग्रो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। पी, ग्रेप, मनी प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ आर सम ऑफ क्रीपर क्लाइंबर्स डैट वी सी अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे पी हो गया मटर, मटर का पौधा, ग्रेप्स, ग्रेप्स का गच्छा, और मनी प्लांट, ये सबको क्लाइंबर्स होते हैं, इन सबको सहारा देकर चढ़ाना पड़ता है, जैसे रस्सी से सहारा दे दिए, लकड़ी से सहारा दे दिए, इन सबको सहारा देकर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इनमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि करेली हो गया, सेम हो गए, करेली हो गए, सेम हो गया, एंड ई टी सी और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम फिफ्थ कैटेगरी पर आते हैं जो कि है क्रीपर। क्रीपर यानी लोटने वाले पौधे, जमीन पर लोटने वाले पौधे। सम प्लांट्स क्रीप ऑन ग्राउंड एंड स्प्रेड दियर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, जैसा कि मैंने बताया ये लोटने वाले पौधे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ प्लांट जो ज़मीन पर लोटते हैं, मतलब इधर उधर बिखर जाते हैं और अपने ब्रांच को ज़मीन ही पर
बढ़ने देते हैं, जमीनी पर ये अपने ब्रांच को बढ़ने देते हैं। दे आल्सो हैव थिन वीक स्टेम, इनके पास भी बहुत ही थिन और वीक स्टेम होता है। वी कॉल देम क्रीपर, हम इसे क्रीपर, इन्हें क्रीपर कहते हैं। तुम ये सोच रहे हो इनके पास वीक वीक एंड थिन स्टेम है, तो इन्हें भी हम तो क्लाइंबर बनाकर इन्हें भी चढ़ा सकते हैं, तो इसे इन्हें हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चढ़े चढ़ नहीं पाएगा, ये चढ़ नहीं पाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये भारी भारी फल होते हैं, ये नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर, ये टूट जाएंगे बीच में ही। और मैं पहले मैं बोल रहा था कि ये जो करेली हो गया वो क्लाइंबर्स में आते हैं, लेकिन वो क्रीपर में आते हैं, वो भी लुटते हैं, लेकिन आप उस हम उसे क्लाइंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम उसे चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको क्रीपर के कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जो कि है वाटरमेलन, तरबूज, पम्पकिन कोहड़ा के नाम से भी जाना जाता है इसे, कुकुम्बर, खीरा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हो गया, बीटर गार्ड, करेली, मस्कमेलन, खरबूज एंड ग्रासेस, एंड ग्रास ग्रास हो गए ना, ये ग्रास आपको लगता होगा कि ये हर्ब हैं, क्योंकि एकदम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी क्रीपर होते हैं। कभी आप किसी बड़े ग्रास को मिट्टी से निकाल कर देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, कि यह एक जगह पर ही नहीं, ये फैला हुआ है। और ये सब कुछ क्रीपर के एग्जांपल हैं। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ। फर्स्ट, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी कि सक सक और टेक, यानी कि चूसना, पीना या अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर ले लेना। जैसे वो एक सकर होता है, एयर सकर, वो अगर दीवार पर आप मारोगे तो उसके वो दीवार को एकदम सक करने लगेगा, चूसने लगेगा, यानी अपने आप अपने पास एकदम सटा देगा। क्रीप, क्रीप जैसे मैंने बोला था, लौटने वाले पौधे हैं, लौटना इसका मतलब होता है। ग्रो और स्प्रेड इन इन सच वे एज टू कवर, इसमें दिया हुआ है कि ऐसे ग्रो करना या ऐसे फैलना कि किसी जगह को वो कवर कर दे, यानी जैसे लोट लोट कर जो फल जमते हैं वो जगह कवर करते हैं, वही हो गया। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक, यानी कुछ पार्टिकुलर जैसे सीजन होते हैं, यानी कोई एक मौसम, किसी एक चीज़ के पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक। जैसे क्रीपर में बोल रहा हूँ, प्लांट्स में क्रीपर ज़मीन पर लुटते हैं, तो क्रीपर वहाँ पर स्पेसिफिक पार्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया वहाँ पर, हो गया। और सेवरल, सेवरल ईयर्स मैंने बोला था ना वहाँ पर, ट्री के केस में सेवरल ईयर्स ग्रो करते हैं, तो सेवरल का मतलब मेनी होता है, बहुत हो जाएगा मेनी। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं अगले अगले चैप्टर में। बाय। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।